हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक और लेकर आया हूँ, क्लास बीएससी थर्ड ईयर का। हमारा चैप्टर था मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग का, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। हमने इस टॉपिक्स में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना आपको मैंने बताया। व्हाट इज़ CFT हमने डिस्कस किया, CFT क्या होती है हमने ये भी डिस्कस किया, और हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का भी डिस्कशन किया, उनके इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए। और मैं आपको बता दूं, टेट्रा और ऑक्टा अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आज का जो टॉपिक है, बड़ा टॉपिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा टॉपिक जरूर इसका तैयार होता है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपका इससे डिजाइन हो ही जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो भी आपका यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। आइए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आज, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए। और मैं आपको एक और बात कर दूँ, एक लास्ट टॉपिक और रह जाएगा हमारे इस यूनिट का, जो JTT जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम डिस्कस करेंगे। गजब का टॉपिक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम उसे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग ये यूनिट खत्म हो जाएगी, लगभग दो यूनिट का बैकअप आपके पास होगा अगर आप वीडियो सारे देख लेते हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मेरी दो यूनिट लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेंगी आपके लिए, जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ से पहले हम उनका बैकअप लेंगे, और फिर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रहेगा। आपको कंटिन्यूस वीडियोज प्रोवाइड होते रहेंगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे जरूरत क्यों है इसकी, और हमने क्यों इसे डिजाइन किया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं वापस ले जाना चाहता हूं आपको। हाँ सर, ले जाइए। आपको पता है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता था, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता था। टेट्रा को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऑक्टा सुन लीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता था सर? मेटल जो होता था वो तो सेंटर में रहता था, मेटल जो रहता था सर वो तो स्टेशनरी स्टेट में सेंटर में रहता था, और लिगेंड्स अगर अप्रोच करते हुए उसके पास आते थे जो एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन करते थे कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। जब वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते थे तो होता क्या था, मैंने आपको बताया था कि होता क्या था कि जो डी ऑर्बिटल आपके होते थे वो सबके साथ एक्साइटेड होते थे, तो कभी सबको कॉफी का ऑफर आता था, सबको कॉफी का ऑफर आता था, और डी ऑर्बिटल दो साइड में होता, ये बात आपको हमने बताई थी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इजी ज्यादा हाई स्प्लिट होता था, ईजी आपका ज्यादा हाई स्प्लिट होता था, और T2G आपके नीचे आ जाते थे क्योंकि वो लो स्प्लिटिंग करते थे, लो रिपल्शन फील करते थे। ये हमारा एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये हमारी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। अब मैं क्लियर कर दूं ये सब होता क्या था, ठीक है। देखिए, जब आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो आपका मेटल होता है ना, उसको लिगेंड एक शेप देता है, उसको लिगेंड एक शेप प्रोवाइड करता है, और उसकी जो भी शेप होती है वो लिगेंड्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। मींस जब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे, फिर सुन लीजिएगा, आप जो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो लिगेंड्स जो आ रहा है मेटल के पास, अगर वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे तो वो हमारे कहलाते थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेरे बच्चे। अगर वो ज्यादा एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारे कहलाते थे स्प्लिटिंग करेंगे, तो हम कहते हैं वो तो होंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो आपके लो स्प्लिट करेंगे या लो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो आपके कहलाते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो दो बात क्लियर हो गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे और वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है, समझ में आता है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की स्पेक्ट्रा के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड के स्पेक्ट्रा के बेसिस पर हमने एक सीरीज डिजाइन कर रखी है, पहले मैं उसे लिख देता हूँ, ये लिखना पड़ेगा आपको, और मेरी ये जो लैंग्वेज है आप इसको ही लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि लिगेंड्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, क्या कर देते हैं,
तो हम मैं एक सीरीज डिजाइन कर देता हूँ, पहले से पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन होते हैं? जो एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं। और वीक फील्ड लीगेंड वो होते हैं जो लो स्प्लिटिंग करते हैं। तो प्लीज पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो फाइनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करते हैं, वीक फील्ड लीगेंड क्या करते हैं, ये बात मेरी लगभग क्लियर हो गई, ठीक है। ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे और कम करेंगे तो वो वीक फील्ड होंगे आपके। चलिए अब मैं आपको पहले एक सीरीज डिजाइन कर देता हूँ, फिर सीरीज जो स्पेक्ट्रा के बेसिस पे डिजाइन की गई है, अरेंज की गई है, एक तो होता है आयोडीन, एक ब्रोमीन, एक एससीएल, एक सीएल, एक फ्लोरीन, एक होता है ऑक्सलेट हाइड्रोक्सो, एक होता है ऑक्सलेटो ओएक्स माइनस टू या C2O4-2 लिख सकते हैं आप इसे, C2O4-2 लिख सकते हैं। फिर आता है आपका वाटर, फिर आपका आता है अमोनिया, फिर आपका आता है EN, और फिर आपका आता है NO2-, और फिर आता है आपका CN-, और फिर आपका मेरे बच्चे आता है CO, ठीक है। ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले सुन लीजिएगा, आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले तो आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये लिखना पड़ेगा और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। अगर मैं आयोडीन से लेकर लगभग वाटर की बात करूं तो ये सबके सब वीक फील्ड लिगेंड है आपके, मतलब ये लो स्प्लिटिंग करते हैं। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसकी कम होगी? आयोडीन की होगी। सबसे कम लो स्प्लिटिंग किसकी होगी? आयोडीन की होगी। और अमोनिया से जो भी एवव आपके लगभग आते हैं, ये सबके सब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब मींस मान सकते हैं कि सीओ आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हालांकि लिगेंड्स के ऊपर ही हम 1 से 2 घंटे का मैं लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन आपके क्लास में जितना आवश्यकता है मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ और आप उतना ही समझने का प्रयास करें। तो सीओ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मींस वो ज्यादा हाई स्प्लिट करेगा। आयोडीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या क्या करते हैं ये भी चीज हम समझ लें, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा, ये भी एक नई चीज सीखने लायक थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो वो आपका करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। कैसा करेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो मेरे बच्चे वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो आपका एक करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को जनरेट करेंगे और जिसके लिए अब एक और चीज है, आप इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कॉन्सेप्ट को और वीक फील्ड लिगेंड के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा आपने CFSC निकाली थी, CFSC क्या थी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने निकाली थी डेलो के लिए, डेल टी के लिए। हम डेलो की बात कर लेते हैं, तो जिसके लिए CFSC चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसके लिए CFSC बहुत कम आएगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए CFSC की वैल्यू ज्यादा आएगी। आप उस बेसिस पे भी अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन होगा, वीक कौन होगा। मान लो दो लिगेंड है आपके पास, मान लो दो लिगेंड से आपके पास अलग अलग है तो आप क्या करिएगा, मान लो एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखा है, ठीक है। एक तो ये दे रखा है FeCN का होल 6-4 दे रखा है, और एक कॉम्प्लेक्स आपको मान लीजिएगा ये दे रखा है CO H2O का होल 6+3 दे रखा है। और अगर आपको पता करना है कि भाई ये जो लिगेंड्स प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा या फील्ड वीक होगा, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करिए प्लीज, एक तो या तो आपको याद हो तो वो तो सबसे सिंपल तरीका है, आपको याद हो तो वो सबसे सिंपल है कि भाई CN तो स्ट्रॉन्ग में आता है, वाटर वीक में आता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं याद हो कि ये किस कैटेगरी में आते हैं तो आप एक काम करिए, मैंने CFSC निकालना सिखाया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो ऑक्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर ये तो ऑक्टा होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, इनके लिए आप CFSC निकाल लीजिएगा प्लीज, और जिसकी ज्यादा आएगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी कम आएगी वो वीक होगा। तो ये भी एक तरीका होगा आपका, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए CFSC सबसे ज्यादा होगी, याद रखेंगे। मतलब आप मान लीजिएगा कि अगर एक जगह मेरे पास, मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ फिर मैं और बातें करता हूँ, ध्यान रखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड करेंगे और वीक फील्ड आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स करेंगे। एक तो ये बात हो गई, टेबल आपको याद होनी चाहिए हर हालत में, हालांकि बहुत से लोग इसे याद भी कर सकते हैं,
ठीक है ना, आपको तरीका होना चाहिए, मेरे को तो याद थी तो मैंने लिख दी, आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, बीएससी के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है आप लोग भाई, ठीक है। चलिए तो ये बात तो तय हो गई भाई, ये बात तो तय हो गई कि अगर मेरे पास सी एल माइनस है एक, एक मेरे पास बी आर माइनस है, एक मेरे पास सी एल माइनस है और एक मेरे पास सी ओ माइनस है, और अगर आप इनकी डेलो की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा डेलो की वैल्यू आएगी सी ओ की, फिर आएगी मीन सी एल माइनस की, और फिर किसकी आएगी ब्रोमीन की, और फिर आएगी सी एल माइनस की। इस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी डेलो की वैल्यू, मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इस ऑर्डर में आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके डिजाइन हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं भाई, किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम, टेबल हर हालत में याद होनी चाहिए। वो पूछ सकता है कि भाई OH कैसा है, वो पूछ सकता है भाई SCN कैसा है, वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CL कैसा है अक्सर पूछा जाता है, CN का अक्सर पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, अमोनिया पूछा जाता है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, EN यू नो EN थायलिन डाइअमाइन बोलते हैं हम इसे, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा थायलिन डाइअमाइन बोलते हैं, ये आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है, न्यूट्रल है और बाइडेंटेड है, ठीक है, न्यूट्रल और बाइडेंटेड है। तो ये सारी बातें हमारी और भी बन सकती हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं नीचे सबके ऊपर मैं आपको बता दूं, और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आप याद करिएगा, ठीक है। मान लो आप याद करिएगा कि आपका कोई डी ऑर्बिटल है, आपको पता है डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास होता है डी ऑर्बिटल मोस्टली, और उनके पास कलर की प्रॉपर्टी होती है, कलर आइन शो करते हैं, वो कलर आइन जो शो करते हैं कॉन्सेप्ट तो कुछ अलग ही है, मैं कुछ अलग ही बात बता दे रहा हूँ कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होंगे, मीन्स जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाएगा, और इस ग्राउंड से एक्साइटेशन में जाने को ही हम लोग कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो अपनी शेल छोड़ के चला जाएगा, अपने सबशेल को छोड़ के चला जाएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा क्योंकि हाईली एक्साइटेड होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ट्रांजिशन मेटल या कॉम्प्लेक्स कलर आयंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। इसी ये पूछा जा सकता है कि भाई कलर क्यों शो करते हैं, डीडी ट्रांजिशन है उसके लिए काम होगा हमारा। चलिए आपको याद होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आप इन सबके ऊपर एक काम करते थे, मैं बस थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आप इसके ऊपर एक काम करते थे, क्या काम करते थे, मान लो आपके पास कोई डी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आप भरते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते थे आप लोग। याद करिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह वगैरह डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक लो स्पिन हाई स्पिन ये सब चीज पता करते थे, तो देखते थे कि मेटल जो कॉम्प्लेक्स जो है उसके पास जो लिगेंड्स है वो स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग होता था तो आप कहते थे भैया पेयरिंग होगी, स्ट्रांग होता था तो आप कहते थे पेयरिंग होगी, और अगर वो बेचारा वीक होता था तो आप कहते थे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है हम आगे चले जाएंगे, आप लोग रहे आएंगे, क्योंकि वीक फील्ड आपको पेयरिंग नहीं करा सकता, स्ट्रांग फील्ड करा देता था, तो हम वहां पे भी इसका एक एप्लीकेशन यूज करते थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी हम इसका एप्लीकेशन यूज करते थे, कलर के लिए भी हम इसकी थ्योरी यूज करते हैं, सीएफएससी निकालने के लिए भी हम इसकी थ्योरी यूज कर लेते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रम के बेसिस पर डिजाइन की गई है, सीएफएससी के बेसिस पर भी डिजाइन कर सकते हैं। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, और क्या क्या पूछा जा सकता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, सीएफएससी निकालना आना चाहिए क्योंकि वहां से छोटे छोटे क्वेश्चन भी डिजाइन होंगे। मान लो वो आपसे कहते हैं कि मेरे पास डी फोर है, आप सुन लीजिएगा प्लीज, मेरे पास डी फोर है, आप ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी निकाल दीजिए, वो ऐसे कहेगा आपसे, मेरे पास डी फोर है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी निकाल दीजिएगा, कंडीशन बकायदा देगा, अगर एक बार तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी सीएफएससी क्या होगी, और वीक फील्ड लिगेंड है तो सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी। ऐसे आपके क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं, बन सकते हैं, करिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मेहनत करिएगा, खुद से पढ़िएगा, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि आप अपना, क्योंकि बीएससी में थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम के वो बेचारे बच्चे अपना हिंदी मीडियम वाले बुक से उन्हें तैयार कर लें, समझ लें यहाँ से चीज़ों को, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में अपने नोट्स तैयार कर लें, क्या कितना कंटेंट लिखना है, कितने की आवश्यकता है,
मैंने बोल दिया है, आप पहले उसको एक बार सुन लें, फिर आपको लिखने में आसानी होगी कि क्या लिखना है, लिगेंड्स के बारे में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में क्या लिखना है, स्प्लिटिंग में क्या लिखना है ना, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए। थैंक यू।